दोस्तों फ़ोन पे तो हम सभी बात करते हैं, सबके फ़ोन करने का जो अंदाज़ होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि फ़ोन करने के जो तरीके होते हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, यानी कि आपको भी नुकसान हो सकता है, हो सकता है आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसी गलती बताऊँगा जो गलती आप करते हो जिससे आपका बॉडी को खतरा हो सकता है। तो वीडियो को स्किप किए बिना इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ कमेंट जरूर करना कि ये जो मैं बात बोलने वाला हूं ये पहले आपको पता था या फिर नहीं। दोस्तों सबसे पहले जो बात करता हूँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं घंटों भर फ़ोन पे लगे रहते हैं, यानी कि कह लीजिए सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि 12 घंटे में आप 7-6 घंटा आप बात कर लेते हो। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप फ़ोन पे लगातार बात करते हैं तो आपका ब्रेन का जो सर्कल होता है वो काम नहीं करता ठीक से। अगर आप रेगुलरली बात करना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपने फ़ोन को ब्रेक देना होगा, उसके बाद आपको कुछ समय बाद फिर से आपको फ़ोन लगाना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन भी ठीक रहेगा, आपका माइंड भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप घंटों भर फ़ोन पे लगे रहेंगे, फ़ोन पे बातें करते रहेंगे, तो आपका बॉडी को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, ये बात आप नोट कर ले लीजिए। सेकेंड में जो दोस्तों बात आता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं लेफ़्ट में। अगर आप लेफ्टी हैं, यानी कि आप लेफ्टी हैं, तो आप राइट ईयर में आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और अगर जनरली आप राइट हैंड वाले हैं तो आप लेफ्ट ईयर में बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लेफ्टी हो के आप लेफ्ट में बात करें, यानी कि ईयर जो होता है, जो कान पर हम बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा अभी फ़ोन आ रहा है, या फिर मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, तो मैं अभी राइट ईयर से, यानी कि राइट कान से अगर करूँगा तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मैं लगातार फ़ोन पे बात करता हूँ उससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें जो आपका राइट में वो सिम्पटन वगैरह रहते हैं, तो इसके लिए आपको उसे मोटेन और क्या क्या कहते हैं उसमें राइट साइड आपका जमा हो जाता है, जिस वजह से आपको साइंटिफिकली भी प्रूव हो सकता है। आप नेट पर सर्च कीजिए, या फिर कहाँ पर भी सर्च कीजिए, या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, ये बहुत बार रिपोर्ट में आ चुका है। अगर आप लेफ्टी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लैप पर राइट में बात कीजिए, लेकिन दोस्तों आप जनरली राइट में आप अपना सारा काम निपटाते हैं, तो आपको अपने फ़ोन को लेफ़्ट हाथ से या फिर लेफ़्ट हैंड से पकड़ के अपने लेफ़्ट ईयर से, यानी कि आपके लेफ़्ट वाले जो कान होते हैं वहाँ पर आप पकड़ के बात कर सकते हैं। इसके आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, यानी कि फ़ायदा तो नहीं, वैसे तो नुकसान ही है, लेकिन दोस्तों कम नुकसान होगा। दोस्तों आखिर में जो बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इस ये तो आप हमारे इंडिया या फिर कहीं भी वर्ल्ड में देख लीजिए, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन स्पेशली इंडिया में 80% लोग, जो लोग की एंड्रॉयड मोबाइल या फिर जो कि 18 से लेके 30 ईयर तक जो एज है, वो 80% लोग, उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। बहुत लोग दोस्तों सोते सोते बात करते हैं, आप सुबह कह लीजिए, रात में कह लीजिए, दोपहर में कह लीजिए, कहीं भी कह लीजिए, लेकिन दोस्तों आप सोते सोते बात करते हो तो आपको हो सकता है बाद में ऐसा हो जाए कि आप फ़ोन पे बात ही ना कर पाए, आपका कान जो है काम ना करे, क्योंकि सोते सोते अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है फ़ोन पर। हमारा जो बॉडी हो सर्कुलर ऐसा हो जाता है कि हम किसी से भी बात नहीं कर सकते, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में, इन फ्यूचर ऐसा ना, भगवान ना करे कि आपको हो ऐसा, क्योंकि मैं आपको प्रे करूंगा या फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सोते सोते बात करते हो तो एटलीस्ट कम से कम अपने रूम की लाइट को ऑन रखिए, अपने रूम को लाइट, मतलब लाइट अंधेरा मत करके आप सोते सोते बात कभी मत कीजिए। ऐसा करने से आपका, जैसे एक डेड बॉडी जो होता है उसका जो डेथ का जो बॉडी होता है वो बॉडी के समान हो जाता है, बॉडी हमारा कुछ काम नहीं करता, बस आपका ब्रेन में कुछ जो हलचल होते हैं बस वही होता है, लेकिन आपका और बाकी सब नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए आप सोते सोते बात करना बहुत ही बुरा है, तो आप हो सकता है आप चल के बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए, लेट के बात कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही फ़ोन करते करते जैसे सो जाते हैं ऐसा कभी मत कंडीशन कीजिए। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, मैंने सोचा आप तक भी पहुंचाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।